भगवान श्री राम जन्मभूमि को लेकर विवादास्पद एवं शर्मनाक बयान देकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चौतरफा फंसते नजर आ रहे हैं और इस बयान के खिलाफ अब हर तरफ ओली की निंदा की जाने लगी है। यही नहीं, जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। जनपद बहराइच में पूर्व विधायक के ओझा के नेतृत्व में तमाम लोगों ने नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बहराइच प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ओली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूरा विश्व जानता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वह अयोध्या भारत में स्थित है। ऐसे में जो बयान नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिया है वह अति निंदनीय है। अगर नेपाली प्रधानमंत्री भारत के नागरिकों से और साधु संतों से इस बयानबाजी को लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को आज की तारीख में ज्ञापन दिया है, भारत ही नहीं पूरे संसार के आराध्य प्रभु श्री राम के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उनको नेपाली बताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत बात है। आज की तारीख में हम लोग उनका पुतला फूंकना चाहते थे लेकिन प्रशासन के दबाव में हमें पुतला नहीं फूंकने दिया गया। हम ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महामहिम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी कड़ी निंदा की जाए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं और भारत के अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ और जो उनका विवाह नेपाल में जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ, दोनों की शादियां हुई हमारे प्रभु की और माता की, इस लिहाज से हम लोग लड़के पक्ष वाले हैं। प्रधानमंत्री ओली को जो नेपाल के हैं उनको डर है कि कहीं दहेज में ये हम लोग लड़के वाले जो भारत के रहने वाले हैं कहीं उनसे नेपाल न मांग ले, इसलिए डरते हैं। वो चाइना के दबाव में वो ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। विधायक जी, भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध रहा है, जो इतने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं भारत और नेपाल के, हमेशा बेटियाँ और बेटों की शादी आपस में होती रही है लेकिन नेपाल के ओली चीन के दबाव में ये सब खत्म करना चाहते हैं। वो चाइना के दबाव में चल रहे हैं और चाइना चाहता है कि इनके जो महत्वपूर्ण अच्छे संबंध है उसको खत्म किया जाए, जिससे चाइना हम लोगों के ऊपर हमारे देश के ऊपर आपत्तिजनक व्यवस्था कर सके। वो हमेशा आए दिन हमारे देश को आंखें दिखाता घूमता है। ज्यादा दिक्कत करेगा चाइना तो हम लोग चाइना को घेर लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री सोए हुए हैं इस समय, उनको चाहिए कि चाइना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए।